मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि नाइट में कार रिपेयर करवाते हुए बहुत टाइम लग गया और रात को मैं थोड़ा लेट सोया, तो आज थोड़ा सुबह मॉर्निंग में लेट पहुंचा। तब तक आकाश ने कुछ डॉग को छोड़ दिया और अभी मैं जब आया तभी अप्पू खेल रहा था, तो अब अप्पू को तो छोड़ दिया गया है। अब जिन जिन को नहीं छोड़ा गया उनको अभी छोड़ेंगे और आज भी गाड़ी सर्विस पर जाएगी। 3 दिन तक गाड़ी कंप्लीट सर्विस पर ही रहने वाली है, मतलब कंप्लीट सर्विस करके पूरा तैयार किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब छोड़ दिया गया है कैफ को। कैफ एक लैब्राडोर है और ये भी हॉस्टल पर आया है। अब ये पहले फ्रेश वगैरह हो लेगा, फिर खुशी के साथ खेलेगा। खुशी के जान गिने का। अब छोड़ा गया है टाइसन को। इसे दूसरे डॉग से थोड़ी सी जलन है, इसके लिए यहाँ पर मैगी है और नहीं, खुशी है और मैगी है, ये दोनों इसके साथ खेलने के लिए। फ्रेंड्स, अब ये धीरे धीरे मस्ती में आ रहा है। हाँ, और मुझे अब हाथ भी लगान दे रहा है अपने आप को। और ये देखो, हाँ बस बस जाओ खेलो खेलो ना, ऊपर नहीं नहीं ऊपर नहीं, खेलो जाओ। अब धीरे धीरे ये फ्रेंडलियर हो रहा है, ये देखो ना, देखो इसके निशान है, कोई लगी की या किसी चैन की हो सकती है, चैन की रगड़ शायद, कुछ नहीं। मैं इसको प्यार थोड़ा सा करा, वो क्या थोड़ा सा प्यार किया रे। देखो देखो अब खुश हो रहा है, अब खुश हो रहा है, कैसे अब गुल रहा है, देख रहे हो आप। 2 दिन लग गए इसको। हाँ जाओ, टाइसन अब खुश हुआ है। हाँ अब इसको पहचान में आ रहा हूँ, मैं हूँ। ए मुंह में जा रहा है अंगुली, अंगुली मुंह में जा रही है डबड़ा। मैं अच्छा लगा तुझे, देखो देखो खुश हुआ जो। इधर आ, इधर रुको रुको, लग जाएगी ऐसे, लग जाएगी, शांत रहे, बोलो लग जाएगी, सुनते नहीं, लग जाएगी बोल दो। खुशी अपरंपार, किसी को कुछ नहीं करेगा पर तू, हाँ झगड़ा नहीं करना। हाँ बस बस बस, हाँ खेलो जाओ, खेलो खेलो। ये है विस्की, ये हो गया विस्की भी दीवाना। ये लो, यहाँ कोई है ही नहीं तो ये अपने आप में गुट्टा खा रहा है। ये आ गया शेरू, शेर 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 शेरू, फुल एक्साइटेड। नहीं नहीं साथ में ही देंगे। मैक्स और क्या बोलते शेरू की मस्ती खत्म ही नहीं हो रही है। शेरू को ऐसा गिरा रहा है, देखना मैक्स कैसे गिराता, देखना। मैक्स थोड़ा पावरफुल है इससे, वजन में हेल्थ में, तो इसको ऐसा गुट्टा खिलाता है, पर इसको भी अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। सत नमस्कार कर रहा। ले इसकी चैन उतर गई शेरू की, मस्ती करते करते ये। अरे क्या ब्रूनोड़ा क्या, ले अरे क्या, ले 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 ले, इधर आते तेरी तेरी बाला, इधर आते ना जिंगे चिक चिक शेरू शेरू डाउन ये पशु। ये जो जंप है ये नहीं करनी चाहिए, मेरे लिए तो ठीक है और मस्ती में चलता है, पर अगर किसी लेडीज पर या बच्चों पर करे तो डॉग छोटा है तो भी गिरा देगा। विस्की जैसे तो ऐसे गिराएंगे, नो ऊपर नहीं चढ़ेगा, नहीं हाँ नो बोला ना, नो बाद में, अब किसी को प्यार नहीं, कैंसल प्यार कैंसल। ए तू लूडो करता उसके साथ, नो बोला, नो प्यार करो क्या, बिगड़ जाते मेरे प्यार से तो बिल्कुल ही। फ्रेंड्स, अब दिया जा रहा है ब्रेकफास्ट सभी को,
पहले इसको दिया नहीं तो ये चिल्ला चिल्ला के 12 बजा देता, फिर इसको देख के ये सीखता चिल्लाना। कैप ये लगा है ना बेटा, ये लगा कैप के पास पहुंचा दिया मैंने। लाओ लाओ लाओ, सब के सब स्पीड से। ऐसा किसी को खाना खाते हुए देखो तो मेरे को इतना सुकून आता है, मजा आ जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ डॉग हमेशा खाने के लिए आगे आए, मतलब खाए तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स सबको छोड़ दिया गया और आज सबको टिक्स वाली दवाई लगाई जाएगी, वो भी मैं वीडियो में आपको शो कर दूंगा कैसे क्या करते हैं हम लोग, कैसे लगाते हैं सभी डॉग वाले हॉस्टल के डॉग्स को और जो ट्रेनिंग पर आ रखे हैं उनको, या किसी भी डॉग पर एक दो चार टिक्स से ज्यादा पाए जाते हैं तो सारे डॉग पर अप्लाई किया जाता है वो। इसको और डाल दो, ब्रूनो के खत्म हो गया। और विस्की के लेके गया नहीं गया बाहर? फ्रेंड्स ये ब्रूनो एक बार बिस्किट को खाते समय रुकता नहीं है, इसका फेवरेट आइटम है, इस पर भी नो इसको आ गया, देखो नो है ये, नो बिल्कुल नहीं, टच भी नहीं करना, नो है वो बोला ना, ये क्या खाएंगे अब? अब इसके थोड़ा लालच बढ़ाता हुआ नो इतना मैं मुंह नहीं मार रहा। आपके भी डॉग की टिक्स हो रही है, जिसको चीचड़े भी बोलते हैं, क्या चीज बोलते, छोटी छोटी जूहें, जैसे अपने जूहें होती है वैसे ये डॉग्स के एनिमल्स के भी अलग टाइप की जूह होती है, उसे टिक्स भी बोला जाता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये केमिकल है जिससे डॉग को ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा, अगर हल्का फुल्का चाट गया या हल्का फुल्का आग में इधर उधर लग जाए तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है इसीलिए इसका बोल रहा हूँ मैं। हमें करना क्या होगा बोलते, ये हमारे हॉस्टल के लिए बड़ी है, आप इसमें छोटी लेके आ सकते हैं, फिर आपको ये एमएल जैसा दिया हुआ होगा, इसमें एक ढक्कन मिला के एक बॉटल में मिलाना है, बॉटल में मिला के एक फिनाइल जैसा आपको चीज़ तैयार हो जाएगी उससे पानी में मिलाने से, और वो आप अपने डॉग पर अप्लाई करें, 15 मिनट वेट करें, फिर उसके बाद उसे वॉश करवा दें। इसको महीने में दो बार यूज़ करने पर आपके डॉग को टिक होंगे ही नहीं, और अगर घर में साइडों में कोने में या जहाँ डॉग रहता है वहाँ आपको दिख रहे हैं तो इसी का 1 लीटर में मिला के वो बना के उसका फिनाइल बना के पोचा भी लगाएंगे तो आसपास की उसकी स्मेल से आसपास में जो छुपे हुए हैं वो भी सारे डेड हो जाएगी उनकी भी। और इसको कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। ऐसे हम इसमें मिलाएंगे, इसे इस पानी में मिला देंगे, मिलाते ही पानी व्हाइट हो जाएगा। हम डायरेक्ट सारे डॉग्स को बना रहे हैं इसलिए बगोले बाल्टी के अंदर भर के बना रहे हैं। अब इसको आराम से मिलाएंगे एकदम बढ़िया,
अब ये बन चुका है, आप देख सकते हैं ये आके में फिनाइल के जैसे हो गया है। अब इसका सबके ऊपर एक बार लेप होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ इसे अप्लाई कैसे करते हैं डॉग्स के ऊपर। पहली बार आप चाहे तो इसको छेद कर सकते हैं, छेद करने पर इसको इस तरह से गिराएंगे। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो भी बाल वाले डॉग हैं उनके बालों के यहाँ अंदर की तरफ स्किन जो दिखती है स्किन पर ये जाना चाहिए। अगर बाल पर रहा तो ये ऐसे झटक झटकार करके गिरा देगा, मतलब ऐसे बॉडी शेक करके पूरा गिरा देगा। मैं हल्का सा इसका कल लूज करके फिर इस पर डालूंगा। ये जो है आपको इस टाइप से ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे डॉग इधर उधर जाए तो आप उसके साथ साथ चल सकते हैं, चाहे तो एकदम टाइटली इसको कहीं टाई कर सकते हैं। अगर ये स्किन तक नहीं जाए और ऊपर ही रहेगी तो डॉग क्या करेगा देखना, आप इसको देखना। ये अब इसके ऊपर पानी है इसको ऐसा लगेगा, इसलिए ये ऐसा कर देगा तो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इसको इनकी स्किन तक पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। कोम की भी मदद ली जा सकती है इसके अंदर, और इस टाइप से पूरी बॉडी पर लगाना है, फेस पर नहीं और ना ही क्या बोलते हैं आंखों में ना कान में जाना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस टाइप से अप्लाई करके हर एक डॉग को 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आपको पता है टिक्स बहुत बार यहाँ भी होता है इनके बीचों बीच में, अंगुलियों के बीच में होता है, इसलिए अंगुलियों के पाँव के बीच में भी सबको डाल देना है।